across my colleague Rajat, who's outside of DPS Greater Noida. Rajat, agar aap meri awaaz sun pa rahe hain? देखिए बिल्कुल, अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, तो मेल के माध्यम से एक ईमेल आया धमकी भरा, जिसमें बताया गया है कि हम आपके स्कूल को उड़ा देंगे। तो हालांकि हम डीपीएस स्कूल के बाहर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर जा रहे थे। कहीं ना कहीं पैनिक होने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर डर का माहौल है। लगातार बच्चे हैं, आप देख सकते हैं अपने घरों को बच्चे जा रहे हैं, तमाम पेरेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल तो उन लोगों के बीच देखा गया है। क्योंकि जब धमकी भरा मेल दिल्ली एनसीआर समेत तमाम जो स्कूलों में आया हुआ था, तो कहीं ना कहीं देख डर बन गया था। हम मैम से बात करें, मैम क्या नाम है आपका? टिफिन। किस प्रकार की आपको सूचना मिली थी? ऐसे सूचना तो स्कूल से मिली थी, सब ठीक है, लेकिन न्यूज से देख के थोड़ा सा डर तो हो ही गया था। डर था ना, तो अब आप अपने बेटे को घर ले जा रहे हो। बेटा आपका क्या नाम है, क्या कुछ जानकारी मिली है, आप क्यों घर जा रहे हो? क्या पता चला आपके? बम की धमकी आई, लेकिन आप डरे नहीं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेकर स्कूल से वापस जा रहे हैं, लेकिन हाँ, स्कूल प्रशासन ने कहा है कि आपका मन है, अगर आप बच्चे की सेफ्टी को लेकर, हालांकि यहाँ पर भी तमाम पुलिस फोर्स है वो पहुंची हुई थी, लगातार तलाशी भी की गई, कोई भी संदिग्ध एक कह सकते बम रोधक जो दस्ता था वो बरामद नहीं हुआ, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि जो स्कूल प्रशासन है वो लगातार अलर्ट पर है, तमाम जो नोएडा ग्रेटर नोएडा स्कूल है उनको भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जो मेल आया उस मेल का मकसद क्या है, जो शरारती तत्व है उसके दिल में मंशा क्या है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि किसी भी स्कूल में बम लगा रखा हो। तो हालांकि उस सुरक्षा को देखते हुए जो धमकी को नजरअंदाज नहीं किया है प्रशासन द्वारा। नोएडा की बात की जाए तो वहां पर भी लगातार स्कूलों में चेकिंग की जा रही है, हालांकि जो कुछ स्कूल ऐसे हैं उनको खाली करा दिया गया है, लेकिन जैसे ही पेरेंट्स को सूचना मिली है कि स्कूलों में बम है, डीपीएस, हालांकि जो मेल करने वाला की टारगेट जो डीपीएस स्कूल है, जहां तक जो मेल है वो डीपीएस स्कूल को भेजी गई है, तो कहीं ना कहीं डर का माहौल तो बना था पेरेंट्स में। वो लगातार, अभी भी हम आपको तस्वीर दिखाएं तो जो पेरेंट्स हैं वो लगातार यहाँ से आपको जाते हुए नजर आ रहे होंगे, बच्चे नजर आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं बच्चों को सेफ्टी के लेकर जो एक माहौल था, कोई भ्रमित खबरें थी, हालांकि वो इन लोगों को जानकारी मिली है कि स्कूल में बम है, तो ये लोग लगातार अपने बच्चों को घर वापसी ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो बच्चे हैं वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को डर है, पेरेंट्स को डर था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। साफ किया है किसी भी प्रकार का कोई बम नहीं है, उन्होंने पूरा जो डीपी स्कूल की तलाशी ली है, गहनता जांच की है, किसी भी प्रकार की कोई भी संदिग्ध वस्तु है वो नहीं मिली है। अभी भी जो तमाम स्कूलों में पुलिस फोर्स है वो तैनात है, लगातार वो तलाशी है वो की जा रही, लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन जहां पर मौजूद हूं डीपीएस की बात की जाए तो यहां के जो स्कूल प्रशासन ने एक नोटिस भी गेट पर लगा रखा है, उसमें कहा है कि हम आज वर्किंग पर हैं। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन।